अक्षय कुमार माने फिल्म बनाने की फैक्ट्री। लोग उन्हें कितना भी क्रिटिसाइज करें, वो अपना काम करने में लगे रहते हैं। उसी का नतीजा है कि वो साल की चौथी फिल्म लेकर हाजिर है, नाम है कठपुतली। ये तमिल मूवी रत्शासन का रिमेक है, 2 सितंबर से हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। देखते हैं कैसी है। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। अर्जुन सेट्टी को फिल्म मेकर बनना है। साइको सीरियल किलर्स उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है। जब उसकी फिल्म में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं होता तो वो अपनी बहन के कहने पर पिता की मौत से खाली हुई पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अपने जीजा की मदद से कसौली में पोस्टिंग मिल जाती है। वहाँ स्कूली लड़कियों का लगातार मर्डर हो रहा है। चूँकि अर्जुन को साइकोपैथ सीरियल किलर्स की ठीक ठाक जानकारी और समझ है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, किलर को पकड़कर अपने हीरोइज्म का नमूना पेश करता है। पहाड़ों में सेट होने की वजह से कठपुतली का सेटअप हालिया दौर में आई दो वेब सीरीज से काफ़ी सिमिलर लगता है। अनदेखी और आरण्यक दोनों ही पुलिसिया ड्रामा है, इसलिए समानता और ज़्यादा नज़र आती है, खासकर आरण्यक से। कठपुतली में भी किलर की तलाश हो रही है, आरण्यक में भी। दोनों ही क्राइम थ्रिलर्स हैं, पर एक बात कठपुतली में खटकती है, ये क्राइम थ्रिलर सिर्फ कागज़ पर है। यहाँ क्राइम है, थ्रिल का कोई नामो निशान नहीं। इसे देखते हुए आपके मन में क्रिमिनल को जान लेने की जिज्ञासा नहीं जगती। बेहद सपाट तरीके से कहानी कही गई है, लगातार मर्डर होते रहते हैं, पर फिल्म में किसी तरह की इंटेंसिटी नहीं है। क्या सिर्फ हर 15 से 20 मिनट में एक मर्डर दिखा देना ही क्राइम थ्रिलर का अहम हिस्सा होता है, सोचिए। रंजीत तिवारी का अद्भुत डायरेक्शन है, क्राइम ही क्राइम, थ्रिल नदारद। एक समय के बाद आप बोर होने लगते हैं। एक क्राइम थ्रिलर का सबसे मजबूत पक्ष होता है उसकी स्पीड, वही कठपुतली से गायब है। बिना मतलब के सीक्वेंसेस घुसेड़े गए हैं। शुरू का आधा घंटा कहानी बिल्डअप में ही चला जाता है। 2.25 घंटे की बजाय ये 1.5 या 2.75 घंटे की मूवी होती तो शायद और ग्रिपिंग होती। असीम अरोड़ा की राइटिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डायलॉग तो इतने टिपिकल हैं कि क्या कहने। अक्षय किलर के लिए कहते हैं, वो जो भी है जहाँ भी है एक गलती ज़रूर करेगा। ऐसे ना जाने कितने डायलॉग्स हैं जो आपने सैकड़ों दफ़ा हिंदी फिल्मों में सुने होंगे। इसकी स्क्रिप्ट पर और मेहनत की जानी चाहिए थी, ये और मेहनत मांगती थी। कहानी पहले से पक्की पकाई थी, बस स्क्रीन प्ले लिखना था, पर संभव है राइटर और डायरेक्टर को भी अक्षय की तरह जल्दी काम निपटाने की आदत हो। फिल्म में एक समस्या और है, दर्शकों की स्पून फीडिंग की गई है। थोड़ा दिखाइए, बाकी दर्शकों पर छोड़ दीजिए, पर ऐसा कैसे चलेगा जी। जैसे कहानी का एक अहम हिस्सा है कि किलर जिसे मारता है उसके घर या आसपास गिफ्ट पैक छोड़ता है, उसमें गुड़िया का सिर निकलता है। जब भी वो गिफ्ट पैक दिखता है उसे खोला जाता है और उससे गुड़िया निकालकर दर्शकों को दिखाई जाती है। जब एक बार गिफ्ट पैक दिखा दिया है, बार बार गुड़िया का सिर निकाल कर दिखाने की क्या ज़रूरत है, क्या तुक बनता है इसका, करना क्या चाहते हो भाई। अगर गुड़िया दिखाने वाले शॉर्ट्स ही कम कर देते तो कुछ नहीं, कम से कम 5 मिनट फिल्म ऐसे ही छोटी हो जाती। फिल्म में अक्षय कुमार ने अर्जुन सेट्टी का रोल निभाया नहीं, घसीटा है, अद्भुत काम है। अक्षय कुमार ने खुद की एक्टिंग बहुत उम्दा तरीके से की है, उनकी वही पुरानी बीमारी। आप एक पल के लिए भी नहीं भूल पाते कि अक्षय कुमार स्क्रीन पर है, ऐसा लगता है अर्जुन सेट्टी ने अक्षय कुमार का रोल निभाया है। हीरोगिरी अक्षय कुमार बनने में नहीं, एक्टिंग करने में है। हाँ, पुलिस की यूनिफॉर्म उन पर जचती है, पर यूनिफॉर्म पहनते ही तन कर चलने लगना नहीं जचता। फिल्म के शुरू में तो वो ऐसे तनाव महसूस करते हैं कि दाएं बाएं भी नहीं देखते हैं। रकुल प्रीत ने स्कूल टीचर के रोल में ठीक काम किया है, उनसे जो करवाया गया उन्होंने किया है। चंद्रचूड़ सिंह ने बढ़िया अभिनय किया है। SHO के रोल में सरगुन मेहता कुछ कुछ जगहों पर चौंकाती हैं, उनमें अच्छी अदाकारा बनने का पोटेंशियल है। बाकी जो सभी कलाकार हैं अपने, उन्होंने जो छोटे छोटे रोल हैं अपने हिस्से का उन्होंने ठीक ढंग से काम किया है। अब मैंने तो बता दिया है कि फिल्म कैसी है, मन हो तो देख डालिए, मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे पंकज।